हेलो चिल्ड्रंस, आज हम वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट फिर से स्टडी करने जा रहे हैं। इसका पार्ट टू है, पार्ट टू इसका लेसन टू, माय फैमिली मेरा परिवार। हम पहले वाले वीडियो में आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बताए थे कि हम लोग एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे का हेल्प करती है और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देती है। इस तरह से एक अच्छी फैमिली रेडी होती है। माय फैमिली के अकॉर्डिंग एक छोटा सा स्टोरी है जिसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि फैमिली कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए। हमारे लाइफ में फैमिली का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर फैमिली है तो अगर एक दूसरे का हेल्प ना करें तो बहुत ही ख़राब लगता है। आइए, उसे रिलेटेड एक स्टोरी है, ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। फैमिली मेंबर्स, परिवार का सदस्य, डू मैनी थिंग्स फॉर इच अदर। परिवार का सदस्य एक दूसरे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी, आइए हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं, अबाउट अ फार्मर एंड हिज थ्री लेजी सन्स एंड हाउ दे लर्न टू हेल्प ईच अदर। आइए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं उसके बारे में, जो एक किसान है और उसके तीन लेजी सन। लेजी का मतलब होता है LAZY, लेजी का मतलब होता है आलसी बेटे के बारे में। और वे लोग एक दूसरे का हेल्प करना भी कैसे सीख जाते हैं, आइए इस स्टोरी में हम आपको रीड कराते हैं। इसका हेडिंग है स्टोरी का, ए फार्मर। फार्मर FARMER, फार्मर मीन्स होता है किसान, एंड मीन्स और, हिज मतलब उसके, थ्री सन्स उसके तीन बेटे। एक किसान और उसके तीन बेटे के बारे में एक स्टोरी है, आइए रीड करते हैं। इन ए विलेज फार अवे, वन अगेन, इन अ विलेज फार अवे, गांव में एक बहुत दूर, गांव से बहुत दूर, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था वहाँ, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, एंड और थ्री सन्स और तीन बेटों के साथ। गांव से बहुत दूर कुछ दूरी पर एक किसान अपनी पत्नी और अपने तीन बेटों के साथ रहता था। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड ऑन देयर फार्म। वंस अगेन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड ऑन देयर फार्म। किसान और उसकी वाइफ, फार्मर मीन्स किसान एंड हिज वाइफ उसकी वाइफ, वर्कड WORKED, वर्कड मतलब काम किया करते थे, वेरी हार्ड मीन्स बहुत ही कठिन मेहनत, ऑन देयर फार्म अपने खेतों में, अपने खेतों पर। किसान और उसकी वाइफ अपने खेतों पर बहुत ही कठिन मेहनत किया करते थे। बट मीन्स होता है लेकिन देयर सन्स, देयर मतलब THEIR, देयर मतलब उनके, सन्स मतलब बेटे, वेयर लेजी, लेजी मीन्स आलसी, एंड स्लेप्ट ऑल डे, स्लेप्ट मतलब सोए रहते, SLEPT, स्लेप्ट मीन्स होता है सोए रहते, ऑल डे मीन्स पूरे दिन,
लेकिन बट देयर सन्स वेयर लेजी एंड स्लेप्ट ऑल डे, लेकिन उनके जो बेटे थे वो पूरे दिन सोए रहते थे। वन डे, एक दिन, द यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा जो लड़का है, सबसे बड़ा। ऑन आस्क्ड, ASKED, आस्क मतलब होता है पूछा। हीज मदर, HIS, हीज MOTHER, मदर मतलब अपनी माँ। टू कुक सम टेस्टी फूड, टू कुक सम टेस्टी फूड। एक दिन सबसे बड़ा बेटा अपनी माँ को कहता है कि माँ कुछ टेस्टी खाना पकाओ, कुछ टेस्टी खाना पकाओ। तो आगे क्या होता है, हिज मदर सेड, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है, जब उसका बड़ा बेटा कहता है कि वन डे यंगेस्ट सन आस्क्ड हिज मदर टू कुक सम टेस्टी फूड, एक दिन उसका बड़ा बेटा कहता है कि माँ कुछ टेस्टी खाना पकाओ। तो उसकी माँ जवाब देती है, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है, वी डू नॉट ग्रो मेनी क्रॉप्स, WEE मतलब हम लोग, डू नॉट ग्रो, हम लोग नहीं कर पाए हैं ग्रो मेनी क्रॉप्स, मतलब हम लोगों ने बहुत सारा अनाज नहीं उगा पाए हैं। सो मतलब इसलिए, वी डू नॉट हैव मच फूड, इसीलिए हम लोगों के पास काफ़ी भोजन नहीं है, ज़्यादा भोजन नहीं है। Why मतलब क्यों, WHY means क्यों। Don't we grow more crops, Why don't we grow more crops, Ask the son मतलब बेटे ने फिर पूछा कि क्यों नहीं हमारे मतलब खेत में बहुत ज़्यादा अन्न उगाया गया, क्यों नहीं उगा, उसका बेटा पूछ रहा है। जब अपनी माँ से बोला कि माँ कुछ अच्छा खाना पकाओ, तो उसकी माँ कहती है कि हम लोगों ने ज़्यादा भोजन, ज़्यादा अनाज नहीं उगाया है। तो उसका बेटा जवाब बोलता है कि क्यों नहीं ज़्यादा उगाया गया। जस्ट देन JUST, जस्ट देन, देन तभी तुरंत, देन मतलब तब, जस्ट मतलब तुरंत, तभी तुरंत द फार्मर केम, तभी उसी समय तुरंत उसका पिताजी आया, फार्मर आया, किसान आया। एंड और हियर्ड मीन तब सुना, HEARD, हियर्ड मीन सुना, हिज सन्स अपने बेटे को, उसका बेटा जब बोला कि क्यों नहीं ज़्यादा अनाज उगा पाए, तब तुरंत उसी समय किसान आता है और अपने बेटे को ये बात बोलते हुए सुनता है। ही, वह, ANGRILY, एंग्रीली मतलब गुस्से पूर्वक में, SAID, शेड, वह गुस्से पूर्वक में कहता है, क्या कहता है, नन ऑफ यू थ्री वर्क ऑन द फार्म, तुम तीन होकर खेतों में काम नहीं करते हो। हाउ कैन वी ग्रो मोर क्रॉप्स, तो हम लोग अकेले कितना, कैसे अनाज ज़्यादा उगाएंगे, तुम लोग तीन लोग होकर भी खेतों पे एक जरा भी काम नहीं करते हो, तो हम लोग अन्न कैसे ज़्यादा उगा पाएंगे, पा सकते हैं, मतलब हम दो लोग मिलके अन्न कितना ज़्यादा उगा सकते हैं, खेतों में काम कर सकते हो, तुम लोग तीन होकर खेतों में काम नहीं कर सकते हो, तो हम लोग दो लोग होकर हम अन्न को कैसे ज़्यादा उगा सकते हैं। तभी आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। द यंगेस्ट सन टोल्ड, तभी बड़ा बेटा कहता है,
his brothers what their father had said. तभी वो अपने भाइयों से कहता है what their father had said. Father had said, पिताजी क्या कह रहे हैं. They both said, दोनों साथ में कहें, we want to eat good food. हम लोग अच्छा भोना भोजन खाना चाहते हैं. We want to eat good food. हम लोग अच्छा भोजन खाना चाहते हैं. But लेकिन we do not want to work. लेकिन हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं. हम लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं लेकिन हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं. But लेकिन the youngest son started helping. लेकिन एक दिन बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों से जाके कहता है कि देखो पिताजी क्या कह रहे हैं, उनका हेल्प करना चाहिए. तो बड़े के बाद जो दो बच्चे थे वो दोनों साथ कहें कि हम लोग सिर्फ अच्छा खाना खाना चाहते हैं, हम लेकिन हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं. लेकिन जो बड़ा बेटा था वो स्टार्ट हो गया अब पापा हेल्पिंग हिज पेरेंट्स ऑन द फार्म. लेकिन बड़ा जब भाइयों को समझाया, भाई उनका नहीं समझा, तो फिर अकेला बड़ा बेटा जो था वो अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने के लिए हेल्प करने लगा. सुन जल्दी ही द फार्म वाज कवर्ड विथ ग्रीन क्रॉप्स. जब उनका बड़ा बेटा उनका हेल्प करने लगा तो तुरंत ही बहुत सारे खेतों में ग्रीन क्रॉप्स हो गए, मतलब हरियाली छा गई, मतलब चारों तरफ अनाज दिखने लगा. वन डे द अदर टू सन्स वेयर रेस्टिंग अंडर अ ट्री. वंस अगेन वन डे द अदर टू सन्स वेयर वन डे एक दिन द अदर टू सन्स वेयर रेस्टिंग अंडर अ ट्री. एक दिन दोनों जो बेटे थे आलसी, बड़ा बेटा तो हेल्प करने लगा लेकिन जो और दो थे वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे. जस्ट देन तुरंत ही, तभी तुरंत दे सॉ ए हियर हर्ड ऑफ गॉट्स ईटिंग द क्रॉप्स. वो लोग ना उसी वहीं पर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे खेतों में, तभी तुरंत वहाँ पर उसने एक बकरियों की झुंड, हर्ड ऑफ गॉट्स मतलब होता है बकरियों का झुंड, बकरियों को झुंडों को क्रॉप्स मतलब अनाजों को खाते हुए देखा उन दोनों ने. तो इसके आगे क्या होता है मैं नेक्स्ट की वीडियो में आपको स्टोरी कराऊंगी, रेट कराऊंगी. आज के लिए इतना काफ़ी है. आज मैंने जितने भी यहाँ पर वर्ड्स आपको दिखाए हैं, जैसे बहुत सारे इसमें हार्ड वर्ड्स हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट्स करना है और उसको वर्ड्स मीनिंग के साथ लिखना है मुझे व्हाट्सएप पे. शुक्रान, जैसे ये फैमिली मेंबर मतलब परिवार का सदस्य, मेनी ईच अदर मतलब एक दूसरे, अबाउट मीन्स बारे में, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट्स करोगे. विलेज फार अवे वर्क्ड वेरी हार्ड देयर फार्म स्लेप्ट ऑल डे लेजी यंगेस्ट आस्क्ड टेस्टी much food grow crops angrily heard they want youngest started helping parents soon covered grain crops one day resting heard of gods crops. तो आपका
होमवर्क भी यही है कि आप इस हार्ड वर्ड्स को अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसका वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रीड